सॉरी, वो हम दादी जी की बीमारी के चक्कर में आप पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाए। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं कि तुम दिन बर दिन कितनी सुंदर होती जा रही हो। तुम्हें पता कली कि सर दर्द का सबसे अच्छा इलाज क्या है? क्या? अपनी वाइफ की एक किस। देखो, अब एक हफ्ते से नहीं मिली, अब तो देनी पड़ेगी। क्यों कली, प्लीज। दरवाजा खुला है, कोई आ जाएगा? आने दो। फिर क्या हुआ? फिर उस लड़की की लाल आंखें एक ही झटके में नॉर्मल हो गई। भूत का असर उतर गया दादी जी। खाना तो खत्म कर दीजिए। हमको भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, अभी आप आराम कर लीजिए, हम आपको कल तांत्रिक के पास लेके जाएंगे। यो घर का लिखा है और कमरे में एक साथ पीड़ा हो रहा है। क्या हुआ दादी? उसने बोला लगता है ऊपर जाने का समय आ गया, लेकिन तुम हमारे परवाह मत करो। दादी कैसी बातें कर रही है आप? युग, कॉफी। युग, डॉक्टर अंकल को फोन किया? कली, तुम फिर से वही बात शुरू मत करो। देखा ना दादी ने डॉक्टर को देख के कैसे रिएक्ट किया था। युग, हम साइकियाट्रिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल डॉक्टर की बात कर रहे हैं। जब हम दादी जी को दवाई लगा रहे थे तो ऐसा फील हुआ कि जो चोट उन्हें लगी है वो किसी कील या उस जैसी चीज की वजह से लगी है। इसीलिए कह रहे टेटनेस का इंजेक्शन लेने में प्रॉब्लम क्या है? ये दादी का मामला ना दिन ब दिन पेचीदा ही होता जा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा, हो ना हो कोई जरूर है इसके पीछे। अब मैं बोलूंगा तो तुम मानोगी तो हो नहीं, पर मुझे लगता है कि इसके पीछे गौरी है। आप हर बात में गौरी को बीच में क्यों लेकर आते? वो कोई क्रिमिनल थोड़ी है। क्रिमिनल नहीं है पर उसका दिमाग क्रिमिनल जैसा है। पर गौरी तो इस घर में कल ही आई है और दादी जी के साथ ये सब गड़बड़े बहुत पहले से हो रही है। तुम उसे अंडर एस्टिमेट मत करो कली, वो बहुत श्रूड लड़की है, वो घर के बाहर रहकर भी ये सब चीजें कर सकती है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है कि इस सब के पीछे गौरी है। सॉरी पर हम आपकी बात नहीं मान सकते। हमें लगता है आप हमारी बहन पर बेवजह शक कर रहे हैं उसके पास्ट की वजह से। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, तुमने एक बार फिर अपनी आंखों में पट्टी बांध दी। आप क्यों जा रहे हैं? आपका कमरा है, हम ही चले जाते।
कब समझोगे कली कि हर कोई दुनिया में तुम्हारी तरह सीधा नहीं होता? आप कुछ नहीं कहेंगे? जो कहना था वो कह चुके हम, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ, तो अब कुछ भी कहने की जरूरत महसूस नहीं करते हम। चलते हैं। हमने ऐसा क्या पाप किया कि आचार्य जी हमसे इतने नाराज हो गए, और वो भी आज के दिन? हेलो हेलो मंजी माँ, आप कली बोल रहे हैं? कैसे हो सना? हम ठीक हैं। हैप्पी एनिवर्सरी मंजी माँ। थैंक यू। पढ़के पापा को फोन दीजिए ना। आचार्य जी कुछ जरूरी काम से बाहर गए हैं सना। आज भी काम? कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ है ना आपका उनसे? नहीं कली, शादी के इतने बरसों बाद झगड़े थोड़ी ना होते हैं, बल्कि एक दूसरे को ज्यादा समझते हैं। ठीक है, हम और युग शाम को आपसे मिलने आएंगे। पार्टी तो बनती है ना, आखिर दोबारा मिलने के बाद ये आप दोनों की पहली एनिवर्सरी है। अच्छा ठीक है, आ जाइएगा। शाम को मिलते हैं। ओके बाय। क्या हुआ दीदी? काहे गरीब के पेट पे लात मार रही हैं? ऐसा क्या कर दिया हमने? दीदी हम तो ना हमारी नौकरी मच्छी नहीं है। ये कपड़ा धोना, झाड़ू पोछा, बर्तन, ये सब हमारा काम है। आप ये सब करेंगी तो इतना बड़ा घर में हमारी क्या जरूरत है? आप चिंता मत करिए बिजली दीदी, कोई नहीं छीनेगा आपसे आपकी नौकरी। हमें तो आदत है और हमें अपना काम खुद करना बहुत पसंद है। ठीक है, एक मिनट। अम्मा जी ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। आप इस बेकार के काम में अपना समय खराब कर रही हैं। जाइए देखिए उनको। नहीं, हमारा मतलब है कि अम्मा जी ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है। आप जाइए देखिए ना अपनी सासू माँ को। सचमुच दादी जी ने कुछ खाया नहीं है? नहीं। हम जाकर उन्हें मनाते। आप ये कपड़े धो देंगी? हम तो कह ही रहे हैं, आप जाइए ना, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। आ जाइए जाइए। अगली बार से अगर ऐसी गलती की ना तो इस वॉशिंग मशीन में अंदर तुम्हें ही डाल के तुम्हें नानी, परनानी, लड़क नानी, सारी नानियां याद दिला दूंगी, समझी? सारी दीदी शट अप, सारी की बच्ची। ये जो काला साहेब का जो तुमने पूरा सेटअप किया था ना, वो एकदम पसंद था। मैं हम तो नहीं थे, हमको लगा आप हो। हम तो थे नहीं। तुम नहीं थे, कर हम नहीं थे तो फिर काला साहेब?